उत्तर प्रदेश में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सभी पार्टियों ने लोक लुभावन वादे कर जनता को लुभाने की कोशिश शुरू कर दी है। इसी बीच पीएसपी अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने बड़ा दांव चला है। शिवपाल ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी अगर सत्ता में आई तो हर घर से एक बेटी और एक बेटे को नौकरी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का जिस दल से गठबंधन होगा वही सरकार बनाएगा। शिवपाल यादव मेरठ के प्रत्याशी और पीएसपी नेता अमित जानी के ड्रीम प्रोजेक्ट अस्पताल का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर घर के बेटे और बेटी को वो नौकरी देंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को रोजगार के लिए 5 लाख रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि जिस दल के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया होगी वही पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव के बाद सरकार बनाएगी। प्रदेश में हमारा संगठन बेहद मजबूत है और अगर 2022 में हमारी सरकार प्रदेश में बनती है तो किसानों को पूरा सम्मान मिलेगा, धर्म और जाति से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए शिवपाल ने कहा कि जनता परेशान है, लगातार महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल और बिजली के दाम आसमान छू रहे हैं। नोटबंदी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल में सिर्फ 2 ही पूंजीपतियों को फायदा हुआ। किसान अपनी फसल बचाने के लिए अगर टुल्लू पंप से सिंचाई करता है तो उस पर अधिकारी मुकदमा लिखवा देते हैं। 2022 में सरकार बनने के बाद बिजली बिल माफ कर 250 यूनिट बिजली फ्री दिलाई जाएगी। अब इन बड़े ऐलानों के जरिए उन्हें विधानसभा चुनावों में जीत मिलती है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनकी पार्टी पीएसपी का पिछला रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा है।